बाय प्रोफेशन मैं फिजिक्स लेक्चरर हूं और आज तकरीबन 6 साल के बाद, 5-6 साल से बिजनेस को कर रहे हैं और आज फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है दैट यू आर ऑन द स्टेज. अब तो हम सेमिनार कर नोट्स लेते रहे, नोट्स बनाते रहे, उन नोट्स को फॉलो करते रहे और उसके बाद आज यहां पर हम सेमिनार करने आ रहे हैं तो उसी चीज का नतीजा है कि कभी यहां डायरियां खुली हुई थी हमारी, हमने भी नोट्स बनाए थे, उनको जाके स्टडी किया, उनको अप्लाई किया और आज आपके सामने पहुंच गए यहां पे. तो नथिंग लाइक के कोई स्पेशली प्रोफेशनल स्पीकर बाहर से आ रहे हैं, बिल्कुल आप ही की तरह वैसे ही सेम, जैसे कि यहां पर आज होता कोई नया बंदा आया होगा और देख रहा होगा या पता नहीं कौन कंपनी वाले कोई बुला तो नहीं रखे, बिल्कुल सेम वे यहां पर आके बैठे हैं और यहां तक पहुंचे हैं. तो इससे पहले कि मैं सेमिनार के बारे में शुरुआत करूं, अपने बारे में बताऊं, तो प्लीज हेल्प वेलकम फर्स्ट माय वाइफ लीना चौहान. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ लीना एंड बाय प्रोफेशन आई एम बिजनेस ओनर. और वी आर थ्री ब्रदर एंड सिस्टर्स. एक ब्रदर है हमारा और हम दो सिस्टर्स हैं. हम तीनों इस बिजनेस में हैं और माय ब्रदर इज अ टीचर और माय फादर वाज इन एयरफोर्स. और जो हमारी लास्ट पोस्टिंग थी वो हमारी चंडीगढ़ में हुई थी और वहीं पर हम मैं केके से मिली थी एंड उसके बाद हमारी लव मैरिज हुई और देन वहीं पर केके का अपना इंस्टीट्यूट है अपना चंडीगढ़ में, केके स्कूल ऑफ फिजिक्स के नाम से. ही इज अ फिजिक्स लेक्चरर एंड उसके बाद जो हमारा स्केड्यूल था दैट वाज सो बिजी कि मैं भी केके के साथ इंस्टीट्यूट में जाती थी. आई वाज लुकिंग अराउंड द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क एंड ही वाज टीचिंग देयर. और जो हमारा वर्क शेड्यूल था, हम सुबह 10 o'clock ऑफिस जाते थे और रात को हम लोग 9 बजे ऑफिस को बंद करते थे. और हमारी मैरिज हो चुकी थी 99 में और उसके बाद हमने एक इंस्टीट्यूट अपना और हम वी बिलोंग्स टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ में हमारा इंस्टीट्यूट है. हमने पंचकुला में एक और इंस्टीट्यूट खोल लिया था अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए. उससे क्या हुआ कि हमारे मैरिज के बाद लाइफ और ज्यादा बिजी होती चली गई. हमारे पास आपस में बैठने के लिए टाइम नहीं था. उससे क्या हुआ कि हमारी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लग गई थी और हमारी आपसी, कहते हैं ना, आपसी ट्यूनिंग हमारी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. हमारे बीच में लड़ाइयां बहुत होने लग गई थी और हमने दूसरे इंस्टीट्यूट में हमारा तो ये एटीट्यूड हो गया था कि एक में केके बैठते थे, दूसरे इंस्टीट्यूट में मैं बैठती थी. मेरा शायद मानना यह था कि हम दोनों बहुत ज्यादा पास रहते हैं इसलिए शायद हमारी लड़ाइयां ज्यादा होने लग गई है. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं रहता था और इसी टेंशन करके हमारे, कहते हैं ना, 2 साल तक हमारे कोई इशू भी नहीं हुआ. और आफ्टर मैरिज हम लोग उस करके भी परेशान रहते थे, हमें अपनी परेशानी का कारण ही नहीं पता था कि हम परेशान क्यों है. और उसी दौरान क्या हुआ कि हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, केके के बड़े ब्रदर मिस्टर उमाकांत, ही इज ऑल्सो एमरल्ड इन दिस बिजनेस. और उन्होंने हमें ये बिजनेस दिखाया, उन्होंने पहले अपने आपको इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया था. और पर कहते हैं ना, हमारा विजन क्लियर नहीं था. उन्होंने केके को कहा कि ऐसे ऐसे बिजनेस है, पर मैंने केके को स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि हमने ये बिजनेस नहीं करना है क्योंकि हमारे पास आपस में बैठने के लिए टाइम नहीं है. मैंने कहा वो टाइम, मैंने कहा मुझे नहीं दे सकते और फैमिली को नहीं दे सकते तो ये बिजनेस करने का टाइम कहाँ से मिलेगा. तो आई वॉज टोटली स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट. बिजनेस मैंने देखा भी नहीं था उस टाइम तक. तो केके ने मना कर दिया कि नहीं नहीं बिजनेस नहीं करना, मैंने नहीं करना. तो एक दिन भैया ने ऐसे ही बोला कि केके का नाम रिंकू है कि अपना एक 4400 का ड्राफ्ट बना के लाना. 2001 में हमने बिजनेस शुरू किया था, उस टाइम ड्राफ्ट से स्पॉन्सरिंग होती थी. 4400 मैं क्योंकि ऑफिस में बैठती थी और जो भी चेक्स, जहां भी पेमेंट्स जानी होती थी मुझे पता होता था, सारे मेरे थ्रू होके जाता था. मैंने कहा कहां जा रहे हो? कहते मैं ड्राफ्ट बनवाने जा रहा हूं. मैंने कहा किस लिए? कहते मैंने उमाकांत ने मुझे कहा है और मैं उसको मना नहीं कर सकता, मेरा ब्रदर है तो मैंने मतलब कि करना है. तो मैंने कहा मैंने मना किया ना, तो कहते नहीं मैं बिजनेस करूंगा. तो मैंने कहा ठीक है मुझे कंपेल मत करना, मैं बिजनेस नहीं करूंगी. कहते ठीक है. तो केके जाके ड्राफ्ट बना के लाए और भैया को दिया और उन्होंने हम इस तरह हमारी स्पॉन्सरिंग भी हुई. और नेक्स्ट डे जब हम मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मिस्टर उमाकांत ने कहा, हमारे ब्रदर इन लॉ ने, कि साइन कर दो.
तो मैंने कहा मैंने पहले मना किया था कि इस बिजनेस को हमने करना नहीं है, तो के कहते चल साइन कर दे, हम इस बिजनेस को करेंगे नहीं। तो मैंने चलो उस टाइम साइन भी कर दिया, प्रोडक्ट्स भी आ गए घर पे, पर विजन क्लियर नहीं था, मैंने अभी तक प्लान भी नहीं देखा था शायद। इसलिए कहते हैं ना, जब भी किसी को प्लान दिखाओ एज अ कपल बिठा के दिखाओ। और उसके बाद क्या हुआ कि हम 2-3 महीने ऐसे निकल गए, पर उन्होंने भी हमें कभी कंपेल नहीं किया बिजनेस के लिए कि आओ आओ आओ। उन्होंने हमें कहते ना बस बोलते रहते थे, हमें अपनी सक्सेस बताते रहते थे कि आज हमने यहाँ पर प्लान दिखाया, आज हमारे ग्रुप में इतनी स्पॉन्सरिंग होगी। तो मतलब उन्होंने हमेशा हमें कहते ना मोटिवेट, और घर में हमेशा उन्होंने कैसेट्स ऑन करके रखनी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि कुदरती एक दिन हम कहीं संडे को हम फ्री थे, उस दिन टेस्ट लेके के फ्री हुए, तो के कहते चल आज संडे को हम ओपन मीटिंग में चलते हैं। हमारी अपलायंस बुलाती रहती थी पर हम जाते नहीं थे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं। और उस दिन हम ओपन मीटिंग में गए, वहां जाके कहते ना मुझे ऐसे लगा नहीं कि कोई एज सच सीरियस मीटिंग है, और वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने के से बैठ के पूछा कि ये बिजनेस क्या है, और उसके बाद कहते ना वो दिन था और आज का दिन है, हमने कोई मीटिंग मिस नहीं की। इससे पहला मेरा एटीट्यूड ये भी था कि भैया ने एक बार कहा था कि घर में हम हाउस प्लान करते हैं, लोगों को बुला कहते ना रिंकू अपने फ्रेंड्स को कॉल करो, ऐसा जैसे हम कभी भी किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करते हैं तो हम कहते हैं कि एक हाउस प्लान कंडक्ट करो। तो के ने कहा कि चलो ठीक है मैं फ्रेंड्स को बुला लूंगा। मेरे को पता लग गया, मैंने कहा कि नहीं मैंने इसी टाइम घूमने जाना है। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, वो कहते हैं ना केके का फ्रेंड आज तक स्पॉन्सर नहीं हुआ, क्योंकि उसको बिठा के घर हम कहते हैं ना घूमने चले गए थे, क्योंकि मेरा विजन क्लियर नहीं था। पर उसके बाद हमने किसी अपने फ्रेंड को बुलाया, हमने अपने घर में हाउस प्लान सेट किया, उस दिन मैंने प्लान देखा, और हमारी आपस में बैठ के यही बात हुई कि या तो कहते ना कहते इस बिजनेस को हम 1 से 2 साल कहते हैं लगा के कर लेते हैं, या तो हम थ्रू आउट पूरी लाइफ हम ऐसे ही लगे रहेंगे अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में, उसका तो कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि हमेशा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते रहेंगे। और इसी कहते हैं ना आफ्टर 2 ईयर्स वी आर ब्लेस्ड विद 2 सन्स, लविश एंड कार्तिके, और दोनों इस बिजनेस में आने के बाद हुए मेरे। और कहते ना कोई भी मेरा शायद एक्सक्यूज नहीं रहा बच्चों को लेके, और हमारे ग्रुप में भी सारे बहुत सारे यंग यंग लोग हैं, और उनको मैंने रीजन बनाया हमेशा बिजनेस को करने के लिए। और आज की डेट में कहते हैं ना इस बिजनेस के थ्रू हम बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कभी। हम हमेशा 3 महीने के बाद घूमने जरूर जाते थे, बट वहीं जाते थे जहां पर हम अफोर्ड करते थे, जैसे डलहौजी चले गए हम, मनाली चले गए, मनाली तो हमारी पैटी जगह थी, बट इस बिजनेस के थ्रू हमारे पासपोर्ट्स बने हैं, हम मलेशिया होके आए हैं, हम चाइना भी इस बिजनेस के थ्रू गए, और इस साल हम फुकेट जा रहे हैं अपने बच्चों को लेके। और कहते हैं ना ये बिजनेस आपको बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन आपको रिवॉर्ड्स देगा, आपको पता नहीं लगेगा, बट एक बार इसको कहते हैं ना अंदर आके इसको देखना शुरू कीजिए। आज लीना ने यहाँ तकरीबन 10-15 मिनट जो बोला, मैं सही बात बताता हूँ, जब ये पहली बार हम सिल्वर गए थे ना, तो इसने स्टेज पे जाने से पहले पूछा बोलना क्या है, मैं सिर्फ नेम प्रोफेशन बोल देना। और अगर आप याद रखो, मैं बता रहा हूँ कि ये बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी कि एक हाउसवाइफ यहाँ स्टेज पर आके यहाँ पर बोल के गई है इतने लोगों के सामने। अगर किसी नए इंसान को यहाँ खड़ा किया जाए ना, मैं बता रहा हूँ पहले तो उसके पांव कांपने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद उसको लगता है बोलूं क्या, उसकी जीभ चिपक जाती है जाके तालू पे। तो ये ऐसा होता है, और ये एक एडिशनल बेनिफिट है इस बिजनेस का, जिसको कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं कि मैं, जैसे कि मैंने मेरे बारे में बताया गया कि बेसिकली सिविल इंजीनियर। मैं उमाकांत, हम दो भाई हैं और 3 हमारी सिस्टर्स हैं, और हम 5 भाई बहन और एक मिडिल क्लास फैमिली जिसे बिलोंग कर रहे थे। और ये तकरीबन कहते हैं सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी वो होती है जब आपके साथ कोई चीज घट जाती है। सिक्योरिटी की ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। कहते कैसे पता चलता है आप इनसिक्योर हैं सिक्योर हैं, जब तक कोई घटना हुई नहीं तब तक वो सिक्योरिटी का मायने नहीं होता। अगर आपका एक्सीडेंट होते होते बच गया तो वो आपके डेफिनेशन नहीं पता, लेकिन एक्सीडेंट हो गया और जो उसके बाद क्या हुआ वो सिक्योरिटी होती है। वही सेम हमारे साथ हुआ। मेरे फादर जो है वो सीनियर गजेटेड ऑफिसर,
और बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन, एक गिवन सैलरी के अंदर घर चलाना, और वही सेम चीज कि अगर आज मेरे कपड़े आए हैं तो अगले महीने फिर उमा खान के कपड़े आएंगे, उसके अगले महीने किसी और के कपड़े आएंगे, इस तरह करके मैनेज करना। गवर्नमेंट स्कूल में हमने पढ़ाई की, बहुत अच्छी एजुकेशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो मिल सकता था उन्होंने जो दे सकते थे वो दिया। करते 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 1986 दिसंबर के महीने में अगेन हमारी लाइफ में एक ट्रेजेडी कह सकते हैं कि एक सिंपल सा कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया कि हम सोच भी नहीं सकते थे, दैट विद इन 2 वीक्स तीन हार्ट अटैक्स इकट्ठे हुए, और ऑन द टूर, और डैड टूर पे गए, वापस आए तो वापस आने की सिर्फ न्यूज आई एंड वी लॉस अवर फादर, और इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन, और पता नहीं था कि ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं। मौत का एहसास कभी हुआ ही नहीं था उस टाइम, मेरी एज 11 साल की थी, उमा खान भी 16 साल के थे, 5 साल बड़े मुझसे, 16 साल के थे, और सबसे बड़ी सिस्टर भी बहुत ज्यादा यंग थी, मतलब अम्मी उनकी शादियां सभी की होनी थी, और समझ नहीं आ रही यार ये हो क्या गया। अभी तक कहते हैं कि जो आपकी मेच्योरिटी एज से नहीं होती कभी, सरकमस्टेंसेज मेक यू मेच्योर, और हुआ एकदम ही ऐसा कि सरकमस्टेंसेज ने मेच्योर कर दिया, और देखते देखते सब कुछ खत्म हो गया, देखते देखते जहां पे इतने सारे लोग आते थे मिलने आते थे, दिवाली पे मिठाइयों की लाइनें लग जाती थी, नीचे आपके गवर्नमेंट की गाड़ी खड़ी है, नीचे एक ड्राइवर खड़ा है आपको लेके जाने के लिए, कई बार वो गाड़ी चलेगी वो ड्राइवर चला गया और अगले उसमें कोई मिलने नहीं आया, जहां रेंट का आपका मकान था वो आपको छोड़ना पड़ा क्योंकि उस मकान वाले को ये लगा कि पता नहीं अब किराया दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और ऑल ऑफ अ सडन 5 महीने के अंदर पिक्चर सारी चेंज हो गई, और उसी टाइम उमा कांत 11वीं क्लास में थे तो उनको गवर्नमेंट जॉब में जाना पड़ा, डैड के अगेंस्ट एक कंपनसेटरी ग्राउंड पे जो जॉब मिलती है, तो ही वाज अ सीनियर कस्टडी ऑफिसर, तो उमा कांत को क्लैरिकल जॉब मिली साथ में करने के लिए, सभी ने काम करना शुरू किया, और मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मैं भी कुछ इस तरह करूं कि कमा सकूं कुछ, लेकिन करते करते 2-3 साल निकाले, फिर सिस्टर की मैरिज की, सिस्टर की मैरिज उस टाइम में बहुत छोटा था और 8th क्लास में था, 2-3 साल और किया, तो 10th क्लास के बाद से फिर मैंने भी कुछ करना शुरू कर दिया, चलो कुछ कमाने के लिए करें, और +1 +2 फिर मैंने अपनी एडमिशन खुद कराई है, उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई सारी मैंने अपने खुद अपने दम पे की है, जितना भी हुआ कि एटलीस्ट अपने खर्चे तो उठा सकें। तो ये मैं इंसिडेंस इसलिए बता रहा हूं कि आप आज यहां पर आए हैं, इस बात का कोई रिलेशन है इस बात के लिए, कहते ये ना सोचना कि ये बिजनेस आपको अभी जरूरत है कि नहीं है, ये बिजनेस हो सकता है कभी जरूरत बन जाए, तो जब जरूरत बन जाएगा तब करने का कोई फायदा नहीं रहेगा, तब तो कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन बन जाए इससे पहले ही हम इसको बिल्ड कर लें एक बार, ताकि याद रहे कि हाँ सही टाइम पे कर लिया था। कहते डिग द वेल व्हेन यू आर नॉट थर्स्टी, तो वही सेम चीज है कि हमें इस तरह के बारे में कुछ नहीं पता था, अचानक ही कुछ ऐसा हुआ, और उमा खान जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब कर रहा हूं, मैंने काम करना शुरू कर दिया, और ये बात है 1992 की, मेरी सिस्टर की मैरिज हो गई बड़ी सिस्टर की, और उनके कुछ ट्यूशंस के बच्चे मैंने पढ़ाने शुरू किए, और साथ के साथ मेरी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गई, मैंने वहां पे एज अ सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली, और पैक में सिलेक्शन हुई, पैक में सिलेक्शन हुई, और उसके बाद हमने साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, और करते 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 अपनी ड्यूरिंग ट्यूशन ही 3rd ईयर में मैंने के स्कूल ऑफ फिजिक्स का नाम दे दिया था, और जब मैं फाइनल ईयर में था तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो मेरे जूनियर्स थे, और इतना नाम हो चुका था फाइनल ईयर में ही, मेरे को कुछ गवर्नमेंट स्कूल में कुछ स्कूल से मेरे को ना एडॉक पे बुला रहे थे कि आप एक बार आके लेक्चर लेना शुरू करो, मैंने एक दो स्कूल मोतीराम आर्य स्कूल है जहां पे हमारी मीटिंग होती है उसी स्कूल में मैं गेस्ट लेक्चरर की तरह 1997 में ड्यूरिंग माई स्टूडेंट होते हुए मैंने पढ़ाना शुरू किया था वहां पे, और 2 लेक्चर लेने जाता था वहां पे मैं, और हुआ क्या कि 1997 में ही आई गॉट सिलेक्टेड इन इंडियन मिलिट्री अकेडमी ऑल्सो, IMA, IMA में सिलेक्शन हो गई, देहरादून से उसकी ट्रेनिंग थी, तो दिमाग में अब चीज था, कहते रिस्क जो बंदा लेता है वही आगे बढ़ता है, अब दिमाग में एक चीज थी, एक तरफ था कि पक्का पैसा आना ही आना है, क्यों IMA में सिलेक्शन हो चुकी है, और दूसरी तरफ एक और चीज हाथ में थी कि के स्कूल बिल्डिंग शुरू हो चुकी है, के स्कूल बनना शुरू हो चुका है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा ये नहीं पता अभी, लेकिन इसके इसमें आप स्टेप ले चुके हो, और लाइफ में जिस बंदे ने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे होंगे उसी बंदे को पता है कि पैसे की कीमत होती क्या है, तो दिमाग में था कि नहीं पैसा कमाना है, दबा के पैसा कमाना है, और 2001 में कम से कम मेरे ख्याल से 800-900 स्टूडेंट्स में पढ़ा रहा था साल के, और आप सोच सकते हैं कि 800 स्टूडेंट्स अगर कोई एकेडमी वाला सिंगल पढ़ा रहा है जिसके 100-100 के बैच हैं तो उसका नाम कुछ होगा चंडीगढ़ में, तो होते होते ये होता रहा, और सही बात है कि लीना ने जैसे बताया कि सुबह 10 बजे ऑफिस जाते रहे, लीना सुबह 10 बजे जाती थी, मेरी सुबह की क्लास 5:30 बजे होती है, और मैं रोज पिछले 14-15 सालों से सुबह 4:45 उठ के 5:30 क्लास लेनी, 5:30 क्लास लेने के बाद 5:30 से 7:30 पढ़ाया,
उसके बाद घर गए, तैयार होके वापस आए और ऑफिशियल काम किया। फिर 12 बजे से लेकर लगातार बैचे शुरू होते थे और उसके बाद 6, 7, 8, 9 बज जाते थे, 2 सेंटर्स हो गए। कहते हैं ना, जो जैसे जैसे पैसा आता है टाइम चला जाता है। ये चीज फील करने वाली बात है कि मेरे को बीच में एक ऐसी स्टेज आई थी 2001 में, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, कि पैसे से नफरत होनी शुरू हो गई थी। लेकिन होता क्या था कि टाइम चला गया था, आपस में एक दूसरे के लिए टाइम नहीं था हमारे पास। इनकम टैक्स पेज में हाईएस्ट इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स में अपना नाम आने लगा था, लेकिन अपने लिए टाइम ही नहीं था। और इतना फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई, हमारी लड़ाई आपस में बहुत होती थी। मतलब ये हो चुका था कि यार इस लाइफ का फायदा क्या। और मेडिकली मेरे को 12 साल से माइग्रेन था, लगभग 12 साल से माइग्रेन था, और मेरा राइट साइड का सिरदर्द होता था। तो मेरे को ना डिस्प्रिन की एडिक्शन हो गई थी। डॉक्टर्स बैठे हैं, सो सकते हैं कि मेरे को डिस्प्रिन की एडिक्शन हो गई थी, क्योंकि मैं क्लास में जाता था, सिरदर्द अगर हो रहा है तो पढ़ा नहीं सकते, तो मैं 2 गोलियां डिस्प्रिन की घोल के खोल के पी जाता था। और करते 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 बीच में एक ऐसा टाइम आया था कि मैं एक एक पत्ता डिस्प्रिन का खा जाता था। और एक स्टेज ऐसी आई थी कि मेरे को डॉक्टर साहब हमारे जो जीजा जी, उन्होंने कहा था कि के अगर तूने अब ध्यान नहीं दिया ना, तो हो सकता है तेरे को आगे जाके बहुत ही ज्यादा परेशानी होनी पड़े और तेरे को अंडर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेनी पड़ जाएगी। और इट वॉज अ वेरी सीरियस स्टेज। एंड द मोमेंट आई वॉज पासिंग थ्रू दिस पीरियड, उस दौरान मैंने एक कैसेट सुनी जो कि मेरे ब्रदर लेकर आए थे, बिजनेस देखते थे, वो घर में कैसेट चल रही सुन रही थी। तो उसमें एक वर्ड आया था, कहता है कि कई बार हम पैसा कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमें वो संडे वाला अंकल कहना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहा ये शायद अभी तो हमारे बच्चे हुए नहीं है, लेकिन अगर ये स्टोरी है तो शायद मेरे लिए बनी है। क्योंकि अगर यही हालात रहेंगे कि संडे, सिर्फ संडे को मैं फ्री होता था, क्योंकि संडे को सिर्फ मेरी 8 से 10 घंटे क्लास होती थी। दिस वॉज द फ्रीडम। और लीना को जब भी मैंने भेजना, तो मैं हमेशा ड्राइवर के साथ भेज देना कि ठीक है तुम जाके शॉपिंग कर लो जो है, और 9 बजे फ्री होता है, 9 बजे चंडीगढ़ की मार्केट बंद हो जाती है। तो मैं एक तरफ से कंफर्टेबल था, चलो अच्छा 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है। लेकिन ये हमारा लाइफस्टाइल था। और वहां पे रह सके एक ही जगह, लेक चले जाना, इधर उधर चले जाना रात को 9 बजे के बाद। और 10 बजे मेरे को सोने की जल्दी इसलिए होती थी कि सुबह 4:45 बजे उठना है, क्योंकि अगले दिन क्लास है। ये सिचुएशन हमारी चल रही थी। और सही बात बताऊं, इस मोमेंट पे जब आपने ये कैसेट सुनी, और वो कैसेट के पीछे जो लेडी बोल रही है, जो बंदा बोल रहा है, वो ऑलरेडी फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, उनकी ऑलरेडी अपनी मर्सिडीज कारें भी हैं, सब कुछ है। मैं कह यार ये बंदा वही चीज कर रहा है, उतने ही पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इसका रहने का स्टैंडर्ड अलग है, इनके पास लाइफस्टाइल है। हमारे पास लाइफस्टाइल नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक लाइफ है जिसमें पैसा है लेकिन स्टाइल नहीं है। तो बड़ा अजीब सा लगा। और ये बिजनेस उमा कान ने जब मेरे को बताया, मैंने उमा कान से जनरली वैसे ही पूछा, मैं क्या डायमंड कितना बनाता है, डायमंड डायमंड की बात करूं, डायमंड कितना बनाता है। और उसने कुछ बोला कि 25 लाख उसने पर एनम बोला, मुझे पर मंथ सुना, मुझे लगा अच्छी इनकम है यार। क्या कर रहे हैं। तो मैंने फिर भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। मैं कभी कभी कैसेट सुन लिया करता था, लेकिन उन्होंने मेरे को कभी कंपेल नहीं किया ज्वाइनिंग के लिए, कभी नहीं कंपेल किया। यही वाली बात है, कहते कि एक वर्डिंग है, कहते इफ यू लव समबडी देन लीव हिम और हर अलोन, इफ ही और शी इज योर्स शी विल गेट बैक, इफ शी इज शी डजंट गेट बैक शी वाज नेवर योर्स। जो आपका है वो तो आपके पास आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ये बिजनेस तो मेरे पास आना ही था। हाँ, माध्यम कोई और बन सकता था, कैसेट माध्यम हो सकती थी। तो इसलिए कहते कैसेट घर में जरूर चलानी चाहिए। जिस घर में कैसेट चल रही है वहां पे ऑरा बना रहेगा, जिस घर में कैसेट चल रही है तो आपको नहीं पता कि आप बिना प्लान दिखाए भी किसी को प्लान दिखा रहे हो। और हुआ क्या कि मैं कैसेट का प्रोडक्ट हूं, उन कैसेट को सुनकर मैं स्पॉन्सर हुआ। और आज लीना ने एक बात बताई कि शी वॉज वेरी नेगेटिव, डेफिनेटली शी वॉज नेगेटिव। क्यों कोई नेगेटिव होता है? नेगेटिव कोई इसलिए होता है क्योंकि वो आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं कि अभी तो टाइम नहीं दे पा रहे, बाद में क्या टाइम देंगे, ठीक है ना। और इस बिजनेस को हमने करना शुरू किया, मैंने लीना से एक ही बात बोली थी कि अगर 2 साल हम इस बिजनेस को दे देते हैं, जैसे कि इसमें बताया जाता है कि टाइम मिलता है, तो हो सकता है कि 2 साल बाद हम लेक ना घूमे, हो सकता है हम 2 साल के बाद यहां वाटिका हॉट मिलियन वहां ना घूमे, 2 साल के बाद हो सकता है कि हर साल हम एब्रॉड घूमने जाए। और वही हुआ, 2002 में बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया, 2005 में हमने पहला ट्रिप लिया मलेशिया का, ठीक है, कमिटेड, जो बोला था वो पूरा किया, अब हर साल ट्रिप ले रहे हैं। और हैरानी की बात यह थी कि मेरे टीचिंग सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो लोग भी साल में एक बार तो घूमने जाते हैं, लेकिन जब वो एक बार घूमने जाते हैं, मेरे को गारंटी है, हमारे टीचर्स हैं केमिस्ट्री फिजिक्स के बहुत अच्छे अच्छे नाम है उनके, घूमने कहां जाते हैं? यूके जाते हैं, कह
कनाडा जा, यहां अपना ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, बट दे नेवर स्टे इन 5 स्टार्स। और सच में हम 5 स्टार में ठहरे हैं, ना सिर्फ हम ठहरे हैं, हम इतने सारे लोगों के साथ ठहरे हैं, हमारे साथ आपके लीडर्स थे वहां पे और हमने इनके साथ एंजॉय किया। आप अगर अकेले जाते हो कहीं तो मजा नहीं आता घूमने का, लेकिन जब आप एक टीम के साथ जाते हो, कुछ लोगों के साथ जाते हो, इतने सारे लोगों के साथ जाते हो, तो घूमने का मजा कुछ और होता है। और ये मजा वो नहीं सह सकते, सुन सकते। उन लोगों के बीच में क्या है, पॉलिटिक्स है, ट्रेडिशनल लाइफ में क्या है, पॉलिटिक्स है, किस तरह से इस बंदे का बिजनेस नीचे किया जाए ताकि अपना बिजनेस बढ़ जाए। इस बिजनेस में आने के बाद मेरे को लगा कि यार इसमें अपलिफ्टिंग बहुत है, एक दूसरे को सपोर्ट कितना करते हैं लोग, हर बंदा दूसरे के बिजनेस को ऊपर अपलिफ्ट करना चाहता है। क्यों? वी विन विन सिचुएशन है, ग्रो टुगेदर। और ये सिचुएशन हमारे साथ हुई, हमने बिजनेस को शुरू किया और बिजनेस हमारा बहुत बढ़िया, ये कह सकते हैं कि मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही बिल्ड किया शुरू से। और अगर आज कोई इंसान ये सोच रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं एक बात बताऊं आपको, चेक इट आउट के टाइम लग कर रहा है। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था बिजनेस तो मैं 9 बजे इंस्टीट्यूट बंद करता था, आई थिंक 9 सवा 9 बजे के आसपास रात को। उसके बाद जब मैं पेस फिटिंग में पहुंचता था, पेस फिटिंग जस्ट खत्म हो रही होती थी और मेरे हाथ में मार्कर वगैरह गंदे, मतलब हाथ गंदे होते थे उस टाइम, 5 मिनट मीटिंग अटेंड होती थी। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं संडे की मीटिंग कभी नहीं छोड़ूंगा, तो मैंने संडे के 2 घंटे जो थे ना वहां पे कोई क्लास रखने का मना कर दिया कि संडे का टाइम मैं किसी को नहीं दूंगा। हाँ, इसके आगे दूंगा, इसके पीछे दूंगा, लेकिन संडे का टाइम किसी को नहीं दूंगा। उसके बाद संडे की मीटिंग शुरू हुई हमारी और मैंने संडे की मीटिंग अटेंड करनी शुरू की। फिर उसके बाद एक सेमिनार आया 16 फरवरी 2002 को दिल्ली में, एक मेगा फंक्शन हुआ था। ठीक है, मैं इस फंक्शन के लिए चलूंगा, पहले ही मैनेज कर लिया, टिकटें लेकर रख ली। और उसके बाद जब उस फंक्शन में गए तो सही बात हूं कि मेरे को वहां जाके लगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इतने हाईली सक्सेसफुल हैं, जिनकी लाइफ हमसे कहीं बढ़िया है लेकिन हमसे काफी रिलैक्स्ड है, उनको कोई मेडिकल चैलेंज नहीं है। तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा देख के, मैं कहा यार अगर ऐसी लाइफ मिल जाए तो बात ही क्या है। मतलब एवरीबडी वॉन्ट टू रिटायर यंग एंड रिच अंडर कंपल्सरी 58-60 के बाद तो हर एक कोई रिटायर हो जाता है अंडर कंपल्शन, ठीक है ना। लेकिन मेरे को वहां पे जाके यंग रिटायर्ड लोग मिले और मेरा ड्रीम बना कि नहीं, अब इस बिजनेस को बड़े तेजी से करना है और इसको हम आगे लेके जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कोई फंक्शन मिस ना करो, कोई फंक्शन मिस ना करो, क्योंकि कुछ नहीं पता कि किस फंक्शन में आपको कौन सी बात अच्छी लगे और आपका बिजनेस कहां से कहां पहुंच जाए। और उसके बाद वापस आने के बाद हमने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया और 2002 आई थिंक नवंबर में हमने सिल्वर लेवल को क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद आगे पीछे बिजनेस चलता रहा चलता रहा चलता रहा और 2004 में हम गोल्ड, 2005 के शुरू में हम प्लैटिनम चले गए, उसके बाद फाउंडर प्लैटिनम, उसके बाद 2006 में हमने एमरल्ड क्वालिफिकेशन शुरू कर दी, 2007 में एमरल्ड हो गए। नेवर लुकिंग बैक, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या चैलेंजेस नहीं आए? देखिए चैलेंजेस आएंगे, लेकिन चैलेंजेस जो आएंगे वो आपके ये मतलब कि थॉट प्रोसेस के हिसाब से आएंगे। कोई काम ऐसा नहीं जिसमें चैलेंज ना हो, जितना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा रिवॉर्ड। इस बिजनेस में चैलेंज क्या होता है, इस बिजनेस में चैलेंज ये होता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से करते हुए इस बिजनेस को करना है। मतलब ये पार्ट टाइम बिजनेस है, मतलब मैं ही नहीं कह रहा, अगर कोई डॉक्टर है तो जितना टाइम वो क्लिनिक पे लगाता है उसको उतना टाइम क्लिनिक पे लगाना है, जो करना है उसमें से कुछ टाइम चुरा के इस बिजनेस को करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मतलब चैलेंज क्या है कि हमें थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना है, थोड़ा सा टाइम वो देना है जो हम हो सकता है कि फालतू में इधर उधर कहीं लगा रहे थे, और हर बंदे का टाइम इधर उधर लग जाता है। तो मैंने पहले 1 घंटा, फिर उसके बाद 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा। आज इस बिजनेस के कारण से हमारा क्या है कि मैं ऑफिस को मैं तकरीबन 6 बजे में फ्री हो जाता हूं। आई लव टू डू दिस बिजनेस। हम 2 बार तैयार होते हैं, एक सुबह तैयार होते हैं ऑफिस जाने के लिए, एक शाम को दोबारा तैयार होते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। क्यों? बिकॉज इस बिजनेस की मॉर्निंग कब हो रही है, शाम को 6 बजे, शाम को 7 बजे, एंड वी लव टू डू इट। हम वेट कर रहे होते हैं यार, जैसे लोग बोलते हैं छुट्टी होगी, जब हम ट्रेडिशनल काम से फ्री होते हैं हमारी छुट्टी हो जाती है। क्यों? अब हम वो काम करने लगे जिसको करने का मन करता है। तो ये बिजनेस कोई हार्ड वर्क नहीं है, ये बिजनेस बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट है और थोड़ा थोड़ा करके हमें इस काम को आगे बढ़ना है। और कई बार यहाँ पे क्वालिफिकेशन, कई बार हमारी क्वालिफिकेशन हमारे आड़े आ जाती है। अब मैं एक भी चीज बताता हूँ कि मैंने बीटेक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया चंडीगढ़ से, ठीक है। उसके बाद मैं बुक राइटिंग में साथ साथ, बुक राइटिंग न्यूमेरिकल फिजिक्स साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूं, राइट। बहुत सारे काम इकट्ठे चल रहे हैं। एट द सेम टाइम यहां पे एमबे में जब आए तो पता चला बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, तो हमने बुक्स पढ़नी शुरू की हैं थोड़ी बहुत साथ साथ। अब बुक पढ़ना ऐसा लगा दोबारा सिलेबस लग गया। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, आप
चाहे किसी भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में देख लें, जितने आपको वो काम करने को दिया जा रहा है जो कंपनी के सीईओ को कहा जाता है करने के लिए। बड़े बड़े कंपनी के जो सीईओ है ना, वो बुक पढ़ते हैं सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो बुक पढ़ते हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। पता है क्यों? क्योंकि उनको इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है। और ये काम अगर आपको करने को दिया जा रहा है, इसका मतलब पता क्या है? हम आपको पहले से ही सीईओ का माइंडसेट दे रहे हैं। मतलब आपको कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं दे रहे हैं, हम हम एक इंसान को एक इंसान ना मान के एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड मान के चल रहे हैं कि इस बंदे को ये करना है। देयर इज समथिंग अबाउट दैट। और क्वालिफिकेशन, एक बंदा मेरे पास आया, कहता सर मेरे साथ एक चैलेंज है। क्या? कि मैं मेरी पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम है, क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं? मैं कहा भाई साहब हमसे अच्छा कर सकते हो। अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है तो आप हमसे भी अच्छा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कई बार हमारी क्वालिफिकेशन हमें सीखने को मना कर देती है। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है। इस बिजनेस में एक ऐसी खूबी हमारे को मिली कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स और उनकी अपलाइन में एक ट्रक ड्राइवर। अब ऑर्डिनरी सोचा जाए, क्या आम लाइफ में एक डॉक्टर एक ट्रक ड्राइवर से सीखेगा? नहीं, उनकी तो यू बहुत ज्यादा होती है कि मैं बहुत हाईली क्वालिफाइड हूं। लेकिन इस बिजनेस में एक साइंटिस्ट, एक ट्रक ड्राइवर और एक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर और एक अपना फार्मर एक ही टेबल में बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू मेक दिस बिजनेस बिगर। जस्ट इमेजिन द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। और मैं एवरी पर्सन हैज अ सेम ग्रुप ऑफ पीपल। इस बिजनेस में आने के बाद के सिंह एज अ फिजिक्स लेक्चरर सिर्फ लोगों के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं कि मेरी दोस्ती स्टूडेंट्स में भी है, मैं लेक्चरर मतलब डॉक्टर्स में भी मेरी दोस्ती है, मेरे को इंजीनियर्स भी जानते हैं, मेरे को प्रोफेशनल भी जानते हैं, मेरे को बिजनेसमैन भी जानते हैं, मेरे को साइंटिस्ट भी जानते हैं, मेरे को सभी लोग जान रहे हैं। तो ये एक यूनिक बिजनेस है कि इतने ग्रुप ऑफ माइंड्स, इतने लोगों की थॉट्स की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, उनसे हमें सीखने को मिलता है। सक्सेस की पहचान क्या है? सक्सेस की पहचान लोगों से होती है, सक्सेस की पहचान आपके फ्रेंडशिप सर्कल से होती है। अगर आपने लाखों रुपए कमा भी लिए लेकिन आपकी पूरे सोसाइटी में पहचान ये है कि ये एक बहुत ही अकड़ू सा इंसान है और ये एक चोर है, ठीक है ना, तो वो सक्सेस नहीं है। मतलब आपकी लोग मदद करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे ये डिपेंड करेगा कि आप लोगों के लिए कितने ज्यादा यू कैन से सर्वर रहे हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत मैं बताऊं आपको, ट्रेडिशनल बिजनेस में लोगों के पास पैसा है लेकिन लोग अच्छे नाम से नहीं जाने जाते, क्योंकि दिमाग में माइंडसेट फंसा ना पुराना। पुराने टाइम के लोग क्या बोलते हैं कि पैसा बनता तो सिर्फ दो नंबर से बनता है, दो नंबर से पैसा बनता है, एक नंबर से, यानी कि एक सच्ची सुच्ची कमाई अच्छी कमाई नहीं हो सकती कभी। लेकिन इस बिजनेस में आप एक चीज देखिए कि लोग आपको जानते हैं अच्छे नाम से। जितना बढ़िया आपका बिजनेस में लेवल होगा उतनी ज्यादा लोग आपको अच्छे नाम से जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना कहते हैं जिस दरख्त पे जितने ज्यादा फ्रूट्स होते हैं वो उतना झुक जाता है। इस बिजनेस में सही बात है कि जितना बड़ा पिन लेवल आपका होता है आप उतने विनम्र हो जाते हो, उतने हम्बल हो जाते हो, पीपल लव यू। आपको सिर्फ आगे प्यार नहीं करते, आपके पीछे भी प्यार करते हैं। मतलब अगर मेरे लिए मान लो मांगट साहब यहां पर है तो मांगट साहब घर के पीछे भी है जब हम बेडरूम में आपस में बातें कर रहे हैं, तो ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम किसी और को किसी नाम से उसके सामने बुलाते हैं लेकिन किसी और नाम से उसके पीछे बुलाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं फोन किया किसी को तो अगर वो बोल रहा है कि हेलो हाँ जी के सर बोल रहे हैं, बड़ा खुश हूं मिलके, और पीछे अपनी वाइफ वाइफ ने बोला कि किसका फोन है, ओके के का फोन है, तो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन अगर उसने बोला पीछे फोन रखे के सर का फोन है पकड़ाया, तो इसका मतलब वो जितनी रिस्पेक्ट आपको सामने करता है उतनी रिस्पेक्ट आपके पीछे भी करता है। इस बिजनेस में ऐसा होता है, इस बिजनेस में आपको जो रिस्पेक्ट सामने मिलती है वो रिस्पेक्ट पीछे भी मिलती है। पीपल लव यू। और रही बात एज फार एज द एमवे बिजनेस इज कंसर्न, एमवे कंपनी इज कंसर्न, बहुत ही जबरदस्त कंपनी, बहुत ही जबरदस्त। मैं एक बार बताऊं आपको, करना तो नेटवर्क मार्केटिंग ही पड़ेगा, करना तो नेटवर्क मार्केटिंग ही पड़ेगा, क्योंकि आज एक वर्ड है चेंज। अगर हम चाहते हैं लाइफ में कुछ करना, अगर हम चाहते हैं लाइफ में कुछ करना, एक बहुत ही बड़ा बिजनेस करना, बहुत बड़ा काम करना, ठीक है ना। अब मानते हैं कि पैसा वैसे बिजनेस में है, जॉब में इतना नहीं है, है जॉब में पैसा लेकिन बिजनेस में पैसा ज्यादा, मानते हैं इस बात को। तो एक अब सोचने वाली बात यह है कि अगर पैसा बिजनेस में है तो कौन से बिजनेस में है, किस बिजनेस को किया जाए, यह भी चूज करना पड़ता है। लोग इसके लिए फाइनेंशियली कंसल्ट करते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस करूं,
मैं एक चीज आपको बताता हूं, एक वर्ड है चेंज, और ये चेंज वर्ड ऐसा है कि जो कि होना ही होना है, चेंज तो होना ही होना है, लेकिन जो लोग चेंज बाय चॉइस करेंगे दे विल बिकम मिलियनेयर्स, जो चेंज अंडर कंपल्शन करेंगे थोड़ा बहुत कुछ पाएंगे, लेकिन जिनको बाद में चेंज करना ही पड़ जाएगा, मतलब कि वो एज अ फ्लड में जब चेंज हो चुका है तब चेंज कर रहे होंगे, तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ उस चेंज का पार्ट बने रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिनके पास 1997 में मोबाइल फोन थे? 1997 में मोबाइल फोन थे, हाथ खड़े करेंगे प्लीज? बहुत ही कम। कितने लोगों के पास आज की डेट में मोबाइल फोन है? ओह माय गुडनेस। मैं एक चीज आपको बताता हूं कि जब ये मोबाइल फोन चले थे तो लोगों के दिमाग में क्या था कि यार 8 रुपए की इनकमिंग, 16 रुपए की आउटगोइंग, कौन करेगा, कौन करेगा इस चीजों को? लेकिन एक मैं आपको बताऊं कि आज हर बंदे के पास मोबाइल फोन है। क्यों? उस टाइम कुछ लोगों ने डिसीजन लिया कि हम मोबाइल पे जाएंगे, कई नई कंपनियां खुली उस टाइम, और आज वो कंपनियां बड़ी कमा रही हैं। कुछ लोग अब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही बताऊं, जो लोग पहले चेंज कर गए वो क्या बन गए? पायनियर्स। ये मोबाइल फोन के बारे में एक चीज है, शायद आपको बहुत हैरानी होगी सुन के, मैं डाटा स्टडी कर रहा था, कहते हैं जब ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार हुआ था तो उस टाइम का सबसे यूजलेस आविष्कार कहा गया था ये, कि इससे क्या होने वाला है, सबसे यूजलेस आविष्कार है। जब पहली बार कार बनाई गई थी ना, तो लोगों ने बोला यार कार बनाने का फायदा क्या है, रोड ही नहीं है। तो हेनरी फोर्ड ने कहा था भैया कार बन गई ना, रोड भी आ जाएगी। तो देयर इज समथिंग अबाउट दैट कि कुछ लोग चेंज करते हैं शुरू में और पायनियर बन जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इमर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। ये डायरेक्ट सेलिंग कल्चर क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग कल्चर इज अ पार्ट जिसमें हम मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को डायरेक्टली जोड़ देते हैं, ठीक है ना, और कुछ पैसा हम बांट लेते हैं, राइट? ऐसे ही होता है। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर इसमें पैसा ना होता तो क्यों इतने सारे मॉल्स खुलते? आज मॉल्स की इंडस्ट्री इतनी बड़ी होती जा रही है, अभी मैं सुन रहा था 610 नाम से कोई मॉल आ रहा है, रिलायंस फ्रेश खुल रहा है, सुभिक्षा है, आईटीसी का ई चौपाल है, इतने सारे मॉल्स खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? उन लोगों को पता चल गया कि पैसा है इसमें, ठीक है ना, और उन लोगों ने इसको इस काम को करना शुरू कर दिया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग पता है उसका रिफाइंड रूप है, क्योंकि मॉल के थ्रू आपको सामान सस्ता जरूर मिल सकता है, लेकिन यू डू नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न द मनी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, आपके पास पैसा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी भी है, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है, और सामान मॉल से सस्ता मिलेगा। किस तरीके से? क्योंकि 20% का मार्जिन एमआरपी डीएपी का जो मिलेगा मिलेगा, प्लस जो आप काम करते हो उस पे आपको इंसेंटिव मिलेगा, और एक दिन वही प्रोडक्ट आपको 50% से कम लेस में मिलेगा, आपको 40% से ज्यादा लेस में मिलेगा। मैं एक बार बताऊं आपको, आई लव दिस बिजनेस। आप एक सिल्वर प्रोड्यूसर हैं, 21% पे चले गए, 21 + 20 कितना हो गया जी? 41%। 41% सस्ता सामान मॉल में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में मिल जाएगा। और जो सामान आपको डायरेक्ट सेलिंग मिलेगा उस क्वालिटी का सामान मॉल में नहीं मिलेगा, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग का कमाल वेरी हाई क्वालिटी का होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो उठने ही वाली है। अब क्वेश्चन ये है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनते हैं कि पाइनियर बनते हैं, हम कस्टमर बनते हैं कि हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। और एमवे बिजनेस, आई टेल यू, एमवे इज अ लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग, एमवे इज अ लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग, एंड वी आर एसोसिएटेड विद द लीडर्स। लोग जब भी कंपेयर करते हैं ना, पता है किससे कंपेयर करते हैं? एमवे से। जब भी कोई कंपनी खुलेगी, वी आर जस्ट लाइक एमवे बट लिटिल बिट बेटर। ये बात हो, देयर इज नो वन लाइक एमवे। और एक और इसमें हमने जो चीज देखी, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, न्यूट्रलाइट जिसके साथ हम एसोसिएटेड हैं, न्यूट्रलाइट जो है ये आज का बिजनेस नहीं है। कहते हैं कि आने वाले समय में 2020 में, 2020 में जो आने वाला टाइम है वो एंटी एजिंग क्रीम्स का होगा, और आने वाला टाइम जो होगा वो होगा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का। और ऑलरेडी हम इसकी फाउंडेशन कर चुके हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है TDIS, टाइम डिफाइंस इंटेंसिव सीरम। और मैं एक बात बताऊं, इसके कंपटीशन में बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं डिफरेंट मार्केट्स में, बट वो रिजल्ट को क्लेम नहीं कर पाते, और सिर्फ एमवे के लोग हैं जो इस रिजल्ट को क्लेम करते हैं, कितने परसेंट क्या चीज इंप्रूवमेंट होने वाली है, बिकॉज वी हैव गॉट अ क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, एक इतना बड़ा सब कुछ, मतलब प्रोडक्ट्स आर ऑसम, और जो हमें पैसा आना किस पे आना है? प्रोडक्ट्स पे आना है। और मैं एक बार बताऊं आपको, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग जैसी कंपनियां खुलती हैं,
लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ वो कंपनी सरवाइव की है आज तक की हिस्ट्री में जिनके प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी के हैं। यू कैन नेवर बिल्ड अ बिग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विद अ लो लाइन प्रोडक्ट्स। आप चीप प्रोडक्ट से बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही क्रिएट कर सकते कभी। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज आएंगी जो बोलेंगी हमारे भी अच्छे प्रोडक्ट है, हमारे भी साबुन है, हमारे भी तेल है, हमारे भी ये हमारे भी वो है, बट चीप प्रोडक्ट से बड़ा बिजनेस कभी क्रिएट नहीं होता। तो वी हैव गॉट अ वंडरफुल वंडरफुल कंपनी बैकिंग अस। टीम सपोर्ट सिर्फ इस बिजनेस में एक ऐसी चीज है जिसमें टीम सपोर्ट मिलती है। मैं एक बात बताऊं आपको कि टीम सपोर्ट होती क्या है। आज हो सकता है कि मेरे में वो क्वालिटीज ना हो जो कि मेरी अप्लाइंस में है, ठीक है ना, और हो सकता है जो चीज अप्लाइंस में है वो मेरे में ना हो, लेकिन जब हम इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं तो आज हमारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पैदा हो गई है, ठीक है ना। वी हैव गुड सेल्समैन, वी हैव गुड नेटवर्कर्स, वी हैव गुड इंश्योरेंस एजेंट्स, वी हैव गुड यू कैन से डॉक्टर्स, वी हैव गुड प्रोफेशनल्स, सभी सेट के लोग हमारे साथ हैं। मैं इतना बड़ा सेल्समैन नहीं हूं लेकिन मेरे ग्रुप में करोड़ों की सेल होती है। मैं इतना बड़ा इंश्योरेंस एजेंट भी नहीं हूं लेकिन मेरे ग्रुप में लाखों का प्रीमियम हर महीने जमा हो रहा है। मैं इतना बड़ा नेटवर्कर भी नहीं हूं लेकिन मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग स्पॉन्सर हो रहे हैं। कहने का मतलब जो मेरी वीकनेस है वो मैंने ग्रुप में कवर कर ली है, इसलिए मेरी ऑल टुगेदर कोई वीकनेस रही नहीं है। अगर आपको लगता है, अगर कहते हैं इस बिजनेस में एक नाम दिया जाता है, दिस बिजनेस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ पर्सन टू अर्न एक्स्ट्रा अबव यू कैन से दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन। मेरे को सुनकर बड़ा अजीब सा लगा कि ऑर्डिनरी बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कैसे कमा सकता है सिर्फ इस बिजनेस में विद द हेल्प ऑफ टीम। क्योंकि एक ऑर्डिनरी इंसान, जब ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी इंसान लोगों का सेटअप बन जाता है, जब उनकी क्वालिटीज इकट्ठी हो जाती है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। आज इस बिजनेस में कई लोग लाख रुपए कमाए हैं, कई के लोग 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, कई लोग 50,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन एमवे जैसा कोई है नहीं है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया कंपनी है और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, राइट। और कॉर्पोरेट लेवल में जॉब में चले जाओ, कोई आपको ऐसा बंदा मिले जो 12 लाख साल का कमा रहा है, तो आप उसका प्रोफाइल देखना, आप उसकी डिग्रीज देखना, आप उसका पर्सनैलिटी देखना, तो आप हैरान होते हैं यार, अगर मैं इतनी सारी डिग्रीज लूंगा तब मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाऊंगा। लेकिन इस बिजनेस में एक ऑर्डिनरी इंसान विद द हेल्प ऑफ टीम, विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट सिस्टम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कमा रहा है। दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। किस बिजनेस में ऐसे मिलेगा? लेकिन लोगों को ना सिंपल बात समझ में नहीं आती, कॉम्प्लिकेटेड बात समझने की आदत हो गई है। उनको बताया जाए इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स करना है या डिफरेंशिएशन इसका करना है तो उसमें लगेगा हाँ ये मजा आया, इसे करने का फर्क आया। किसी को बोलो कि भाई साहब ये फलाने फलाने इंस्टीट्यूट ने 6 साल का एक कोर्स रखा है, रुपया लगेगा 6 लाख, ते बाद 15,000 पर मंथ की जॉब सर्टेन है, कंफर्म्ड है, लोग एप्लीकेशन लेके खड़े हो जाएंगे कि मेरे बंदे को दिलवाओ। क्यों? कॉम्प्लिकेटेड है ना, इन्ने लाख रुपया लगेगा, इन्ने साल लाने पैने, 4 घंटे पढ़ना पैना, ट्यूशना भी करनी पैनी है, सब करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ करना पड़ेगा तब जाके पैसा आएगा। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, पार्ट टाइम में 2 घंटे थोड़ा सा प्रोडक्ट को चेंज करें, अपने घर में प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें, प्रोडक्ट को उसको सीखना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा काम रोज रोज लोगों से, एक दो लोगों से बात कर लें, टेप को सुन लें, ये थोड़ा थोड़ा काम रोज करते रहें तो आप इसमें 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन किस बिजनेस में ऐसा होता है? यू ऑल आर एबीओज एमवे बिजनेस ऑनर्स। अदरवाइज ज्यादातर होता क्या है, क्या ये बिजनेस ऑनर वर्ड किसी ने दिया आज तक हमारे को? अभी वी आर बिजनेस ऑनर्स। अदरवाइज मेरे पास अगर एनआईटी फ्रेंचाइजी है तो मैं एनआईटी बिजनेस ऑनर नहीं हो गया। अगर मेरे पास बाटा का बिजनेस फ्रेंचाइजी है तो मैं बाटा बिजनेस ऑनर नहीं हो गया, बट मेरे पास यहां पे एमवे की फ्रेंचाइजी है बिकॉज मैं एमवे बिजनेस ऑनर हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास राइट्स हैं उस एमवे बिजनेस को आगे फ्रेंचाइज करने के लिए। दैट इज द रीजन दैट वी आर बिजनेस ऑनर्स, वी आर नॉट फ्रेंचाइजी ऑफ एनीबडी लाइक दैट, ठीक है नहीं? दिस इज आई टेल यू इट्स अल्टीमेट बिजनेस। आज कई लोग यहां पर आए होंगे, सोच रहे होंगे यार पता नहीं किस किस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ये मतलब कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। हर बंदे के दिमाग में 2 क्वेश्चन होते हैं, कोई बिजनेस बंदे को ना नहीं करता। अगर आप सोचते हो ना कि एमवे बिजनेस में कोई किसी को ना करता है, एमवे बिजनेस में कोई किसी को ना नहीं करता कभी। वो ना थोड़ी डिलेड होती है, अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि उस बंदे के दिमाग में 2 क्वेश्चन चल रहे होते हैं। नंबर 1 थिंग, क्या ये बिजनेस करने लायक है? नंबर 2, क्या मैं इसको कर सकता हूं? कई बंदों के दिमाग में ये कोई डाउट है नहीं कि क्या मैं इसको कर सकता हूं। कर तो मैं लूंगा, डेफिनेटली कर लूंगा। इस चीज की मैंने आपको बता दूं कि इस बिजनेस में अगर आप सेमिनार्स में आते रहेंगे तो
यू विल फाइंड दैट इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स प्रोफेशनल्स, इतने बड़े बड़े लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, अगर ये करने लायक ना होता तो क्यों किसी कोई बंदा इस चीज को परमानेंटली करता? अगर कोई इंसान जो कि ऑलरेडी ट्रेडिशनली सक्सेसफुल है, अगर इस बिजनेस में आने के बाद ये डिसीजन ले रहा है कि मैं इसको फुल टाइम करूंगा, तो उसके पीछे कुछ सोचा होगा उसने यार, ठीक है ना? कई लोग बोलते हैं जी आपका नाम तो बहुत था, आपका नाम तो बहुत था, इसीलिए आप बिजनेस बिल्ड कर गए, ठीक है ना? आप बिजनेस बिल्ड कर गए। मेरे को एक बात बताइए, कितने लोग शाहरुख खान को जानते हैं? पूरे हाथ खड़े करेंगे प्लीज, प्लीज पूरे हाथ खड़े करेंगे। कितने लोगों को शाहरुख खान जानता है? तो नाम होने से क्या होता है यार, नाम तो बहुत लोगों का होता है, मैटर यह करता मैं कितने लोगों को जानता हूं, मैटर यह नहीं करता कितने लोग मेरे को जानते हैं, मैटर ये करता है मेरी लिस्ट कितनी बड़ी है, मेरे को कितने लोग जानते हैं। इसीलिए इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें इन्फ्लुएंशियल लोग जो है, ऐसा नहीं होगा कि ये इन्फ्लुएंशियल बंदा ये बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े डीसी जो है वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाते, ठीक है ना? इसमें सिर्फ एक इंसान जिसके ड्रीम है, डिजायर है, जो कुछ करना चाहता है और जो कंसिस्टेंटली उस काम को करेगा, सिर्फ वही बंदा आगे बढ़ेगा। और एज फार एज वन थिंग इज कंसर्न, नेटवर्क क्या होता है, कई लोग नेटवर्क को गलत नाम दे देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, इसका नाम था बिजनेस स्कूल। अगर आपने नहीं पढ़ी तो बुक को जरूर पढ़ें। तो नेटवर्क होता क्या है, अगर आज हम प्रैक्टिकली देखा जाए, हम में से कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको नेटवर्क की जरूरत ना हो। मेरे को करने लायक है मेरे लिए, कहीं ऐसा तो नहीं मैं इस बिजनेस को करने के बाद अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाऊं। किसी भी नेटवर्क की बात कर लो, हम सभी को नेटवर्क की जरूरत है, जरूरत है। मैं कह सकता हूं इच्छा नहीं, जरूरत है। कैसे? देखिए, आपको पता है कि आज पर्टिकुलरली जब भी हम किसी फील्ड में जाते हैं तो दिमाग में एक ही चीज होती है, यार पता नहीं मतलब ये लोग हमें जानते हैं कि नहीं जानते, कई जगह काम होते हैं, ठीक है ना? अब मेरे को बताता हूं, रास्ते में जाते हो कई बार गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में जाते कोई परेशानी पड़ गई, बाई चांस की बात है, सबसे पहले किसकी याद आती है जब घर पे कोई चीज अचानक गलत हो जाती है? तो अपने दोस्त की, किसकी याद आती है? रिश्तेदारों की। इस बिजनेस के जितने लोग हैं उनसे पूछ के देखो, जैसे ही कुछ अजीब सा उनके साथ होता है, घटना होती है, तो तुरंत वो फोन या तो अपलाइन को करते हैं या डाउनलाइन को करते हैं, बिकॉज वी ऑल नीड पीपल फ्रॉम दिस नेटवर्क। मेरे को पीछे कुछ परेशानी पड़ी थी, मैंने सिर्फ एक बार एक बंदे को फोन किया था, एक दो बंदों को फोन किया था, यार ये परेशानी पड़ गई है, पता नहीं कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठे हो गए वहां पे, मेरे को नहीं पता कैसे इकट्ठे हुए, बट पीपल लव अस, लोग हमें प्यार करते हैं और उनका प्यार हमें खींच के लेकर आया। मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बीमार पड़े थे पीछे, तो उनका फोन आया रात को 2 बजे के आसपास के उसको ना नींद नहीं आ रही, इस तरह आ रहा है, उसका सिर बहुत दर्द हो रहा है, ये सब हो रहा है। मैं कहीं ठीक है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। मैंने रखा फोन, तुरंत पहुंच गया वहां पे। वहां से दूसरी डाउनलाइन थी, वो केमिस्ट है, उनकी अपनी शॉप है, वो वहां से गए, उन्होंने दवाई निकाल के फटाफट दवाई लेकर वहां पर आए। और अचानक ही जब वो थोड़ा सिर दर्द उसका ठीक हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, जब पेन से रिलीफ हुआ थोड़ा, तो हम हंस रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। मैं कहा टाइम कितना हुआ अभी? कहते 3:30 बजे। रात के 3:30 बजे हैं और हमारे भाई साहब उठ के शटर अप करके दवाई भी लेकर आए, मैं 5-6 किलोमीटर ड्राइव करके वहां पे पहुंचा रहा हूं। हंस रहे हैं कि अगर ये बिजनेस ना होता ना तो क्या कोई किसी के लिए उठ के इस तरह जाता दिल से? लोग बोलते हैं देखो जी आसपास कोई डॉक्टर होएगा तो उसी उस तरह कंसल्ट कर लो, नहीं नहीं तो उसी इस तरह को पीजीआई ले जाओ, ये कर लो वो कर लो, सलाह सारे दे देंगे। लेकिन सिर्फ एक नेटवर्क में ऐसा होता है, पीपल लव एंड केयर फॉर ईच अदर, दे वॉन्ट टू हेल्प यू अनकंडीशनली। दैट इज द रीजन नेटवर्क की हर एक को जरूरत है। लेकिन नेटवर्क को बिल्ड करने का प्राइस होता है। जब हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, नेटवर्क को शुरू करते हैं, क्या सभी लोग हमारे साथ होते हैं? जब कभी किसी बंदे के दिमाग में मिशन आया होगा कि ठीक है मैं इस चीज को मानता हूं और मैं इस चीज को लेकर आगे बढ़ूंगा और इस चीज का मैं प्रसार करूंगा। जब महात्मा बुद्ध ने बुद्धिज्म को शुरू किया था तो पहले तो उनके घर वालों ने साथ नहीं दिया होगा, ठीक है जी? उसके बाद धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 लोग जुड़ते गए और आज बुद्धिज्म को मानने वाले कितने सारे लोगों के हैं। उसी तरीके से आज एक यहां पे क्राउन एम्बेसडर बैठा हुआ है, वो आज बिजनेस जाके शुरू करेगा, पहले तो उसके घर वाले बात ना माने, ठीक है जी? लेकिन वो लगा रहेगा और एक दिन उसका बहुत ह्यूज नेटवर्क हो जाएगा यहीं से बैठे बैठे, बट इट विल टेक टाइम। आप इस बात को भूल जाओ कि अगर आप शुरू करोगे तो सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी, क्योंकि कभी भी चीजें अपने आप नहीं होती। लेकिन आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको आपके माइंडसेट के लोग मिलते चले जाएंगे।
कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके माइंडसेट का लोग यहां बंदा मिले ही ना। कितने लोग हैं जो पिंक कलर पसंद करते हैं? पिंक, हां जी। रेड पसंद करता कोई? ब्राउन, ब्लैक? देखो जी, ब्लैक वाले भी हाथ खड़े हैं। तो इसका मतलब यह है कि हर माइंडसेट के लोग हैं यहां पे। तो उसी तरीके से यहां पे एक बहुत पॉजिटिव इंसान बैठा है, एमवे डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, वो बोलेगा यार इतना जबरदस्त बिजनेस है, इसको समझ नहीं आता। और हर बंदे के अपने लॉजिक होते हैं, हर चीज के अपने लॉजिक हैं। तो आप ये ना सोचना जब नेटवर्क बिल्ड करोगे तो आपको ऐसे चैलेंजेस नहीं आएंगे, ऐसी चीजें आएंगी। कई लोग आपके माइंडसेट के मिलेंगे, कई लोग आपके माइंडसेट के नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको उनकी तलाश है जो कि आपके जैसे लोग हैं। और मैं आज आपको बताऊं, सिर्फ बिलीफ बिल्डिंग वाली बात है, दैट मेरे को नहीं पता कितने लोग यहां पे बिजनेस करेंगे, लेकिन कर सभी सकते हो। मुझे नहीं पता कितने लोग यहां से डायमंड जाएंगे, लेकिन जा सभी सकते हो। मुझे नहीं पता कि कितने लोग यहां पर एक आने वाले टाइम में ह्यूज नेटवर्क बिल्ड करेंगे, लेकिन कर सभी सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आप सिस्टम से जुड़ते हो, अगर अपनी अपलाइन से जुड़ते हो, अपनी टीम से जुड़ते हो। और अगर हम जैसे लोग कर सकते हैं तो दुनिया में कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अगर हम जैसे लोग कर सकते हैं, हमने ऐसे टाइम में बिजनेस को बिल्ड किया जब हमारे लिस्टिंग नहीं थी, सारे लोग बाहर बैठे थे और हमने बिजनेस को बिल्ड कर लिया। तो मैं तो कह रहा हूं कि आप हमसे 100 टाइम्स बेटर हो, आप इस बिजनेस को और तेजी से कर सकते हो। हम तो एमरल्ड गेम क्राउन जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।